बिशुनपुर प्रखंड के चटकपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 16 करोड़ रुपए की लागत से चटकपुर से तेदार तक 10 किलोमीटर बनने वाली सड़क व 5 करोड़ की लागत से बनने वाले कुल 3 पुलिया का मंगलवार को सांसद सुदर्शन भगत व बिशुनपुर विधायक चमरा लिंडा के प्रतिनिधि शिवराम कश्यप ने संयुक्त रूप से मिलकर शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद सुदर्शन भगत ने कहा कि वर्षों से इन क्षेत्रों के लोगों को इस सड़क की जरूरत थी। केंद्र सरकार के माध्यम से सड़क की मांग वर्षों से हो रही थी, जिस मांग को आज भाजपा सरकार ने पूरा किया है। साथ ही इस सड़क के बनने से चटकपुर से चैनपुर तक सीधा रास्ता खुल जाएगा, जिससे लोगों का आवागमन बढ़ेगा, साथ ही व्यापार में भी वृद्धि होगी। वही विधायक प्रतिनिधि शिवराम कश्यप ने कहा, विकास का रास्ता सड़क से ही होकर जाता है। ग्रामीणों की वर्षों की मांग आज पूरी हुई है। साथ ही उन्होंने सड़क निर्माण कार्य कर रहे संवेदक व अभियंता को गुणवत्तापूर्ण काम करने का निर्देश दिया। अगर ग्रामीणों के द्वारा सड़क कार्य में किसी भी प्रकार की शिकायत आती है तो संवेदक व इंजीनियर पर कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही। इस मौके पर मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष केदार साहू, भिखारी भगत, जिला परिषद सदस्य पवन उराव, जगत ठाकुर, बच्चन चौरसियार, रविन्द्र उराव, हेलता मुखिया सुशील मुंडा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस बिशुनपुर प्रखंड में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चटकपुर से लेकर तेनार तक लगभग 10 किलोमीटर सड़क का आज शिलान्यास हमने किया है और यह अत्यंत ही महत्वाकांक्षी यह योजना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण कार्य होगा और इसकी जो समय अवधि है उस समय अवधि के अंदर मैं समझता हूँ कि यह काम पूरी होगी। सर, और भी सड़क बनती है, जल्द उखड़ जाती है, इसलिए आप क्या कहें? यहाँ की ग्रामीणों की बहुत उपेक्षित सड़क है, बहुत वर्षों से मांग रही है। आज निश्चित रूप से ग्रामीणों की मांग पूरी हुई है। इनकी काफ़ी पुरानी इसकी पुरानी मांगे थी और गुणवत्ता पर विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा। आज हमारे बीच में संवेदक भी, हमारे विभाग के पदाधिकारी भी, संबंधित विभाग के पदाधिकारी भी हैं। गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार की कंप्रोमाइज नहीं की जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।